इससे पहले पार्ट वन में आपको हम ग्रह के बारे में, भौगोलिक संरचना के बारे में बता दिए थे। चलिए आपको बताए थे कि अगला पार्ट में भू आकृति विज्ञान के बारे में हम बताएंगे। भू आकृति विज्ञान यह पार्ट टू है। इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जाकर प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और क्या कीजिएगा, पहली बार देखिएगा, उसके बाद दूसरी बार देखिएगा, तो सिर्फ कान में हेडफोन लगाकर सुन लीजिएगा, उससे ही याद हो जाएगा। ऐसे 2 से 3 बार हम जरूर बोलेंगे। चलिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है? तो भूकंप विज्ञान से मिलता है। करा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी, तो भूकंप विज्ञान से मिलता है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जो क्वेश्चन आता है सेट, क्वेश्चन को हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वाधिक सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो वह किया था स्वेस ने। अगला है कि सियाल सीमा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो वह भी किया गया था स्वेस के द्वारा ही। अगला है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल और लोहा होता है। निकेल और लोहा, तो केंद्र में क्या होता है? निफे। निफे से हो जाता है निकेल, एन से नी से हो जाता है निकेल, और एफ से लोहा। चलिए अगला है कि स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य प्रॉपर्टी को ही स्थल मंडल कहते हैं। चलिए अगला है कि बेरी स्फीयर किस परत को कहा जाता है? तो बेरी स्फीयर जो कहा जाता है, पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत को ही बेरी स्फीयर परत कहा जाता है। अगला है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंप तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? तो स्थल मंडल के सबसे ऊंचे ऊपर वाला मंडल जो जिसको होता है, उसका लंबाई यानी मोटाई कितना है? तो 100 किलोमीटर है। अगला है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ विज्ञान जो भूपटल, मेटल तथा कोर में किया जाता है, यह विभाजन किसका है? तो ग्राट का है। अगला है, किसके बीच मोहो असंभवता स्थित है? तो क्रस्ट और मेंटल के बीच ही मोहो स्थित है। अगला है, धरातल में मोहो असंभवता की गहराई लगभग कितनी है? तो 30 किलोमीटर, कहीं कहीं ये 34 किलोमीटर भी देगा। चलिए अगला है कि गुटेनबर्ग असंभवता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो मेंटल और कोर के बीच है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68% पाया जाता है मेंटल में। देखिए, भूगर्भ में इस तरह से देखिएगा तो नीचे वाले को कोर कहते हैं, बीच वाले को मेंटल, ऊपर वाले को सियाल कहते हैं। चलिए अगला है कि वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को कहा जाता है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत कौन सा है? तो सियाल है। अगला है कि महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अगला है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टान की अधिकता पाई जाती है? तो सीमा में। अगला है, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो निफे यानी कोड में। अगला है, मेंटल में किन तत्वों का प्रधानता मिलती है? तो सिलिका एवं मैग्नीशियम का। अगला है, पृथ्वी के कोर में किस तत्वों का प्रधानता होती है? तो लोहा और निकेल का, कोर में नीचे, सबसे नीचे वाला भाग में। चलिए, महाद्वीप मुक्त किन चट्टानों से निर्मित है? तो ग्रेनाइट चट्टानों से। इसको याद रखिएगा कि महाद्वीप मुक्त किन चट्टानों से निर्मित है? तो ग्रेनाइट चट्टान से भी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महासागरीय बेसिन में किस चट्टानों की प्रधानता मिलती है? तो बेसाल्ट चट्टानों की मिलती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? तो पटल विरूपण कहा जाता है। इसको फिर से देखिए कि वह प्रक्रिया जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, यानी कि हल्का से इधर उधर होती है, उभारती है यानी ऊपर आती है, निर्मित करती है, नया बनती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो पटल विरूपण कहा जाता है। आइए पाई चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि चट्टानों का रूपांतरण कैसे कैसे होता है। तो मूल चट्टान और रूपांतर चट्टान, यानी मूल चट्टान कौन सा है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ही रूपांतरित होकर क्या हो जाता है? नीस के रूप में बदल जाता है। सेल जो है मूल चट्टान है, यह रूपांतरित होकर स्टेल में बदल जाता है, स्लेट में। अगला है चाक। चाक क्या है? तो चाक जो है मूल चट्टान है, यह किस में परिवर्तन हो जाता है? संगमरमर के रूप में परिवर्तन हो जाता है। स्लेट जो है वह किस में हो जाता है? फाइलाइट में हो जाता है। ग्रेबो किस में हो जाता है? सरपेंटाइट में हो जाता है। अगला है कि बलुआ पत्थर किस में हो जाता है? क्वार्टरजाइट में हो जाता है। अगला है बेसाल्ट किस में हो जाता है? एम्फीबोलाइट अस्टिस में हो जाता है। अगला है कि चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है? डोलोमाइट संगमरमर में बदल जाता है। कोयला ग्रेनाइट में, और कलंगोमेटर क्वाटराज में बदल जाता है, आप फाइलेट सिस्ट में बदल जाता है। इसको 2 से 3 बार आप सुनिएगा, और इसको हम पीडीएफ दे देंगे, इससे दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। वैसे तो आपको याद है, इसमें ये पूछता है और चूना पत्थर वाला, डोलोमाइट वाला, कोयला वाला और बेसाल्ट वाला पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। चलिए अगला है कि कोर को अन किस नाम से जाना जाता है? तो बेरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है। कोर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बेरी स्फीयर के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के भूपट्टी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। पृथ्वी के भूपट्टी पर कौन सा तत्व भरपूर मात्रा मिलता है? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 46.6% मिलता है लगभग, या कहीं कहीं 4% देगा, 46.4%, इसको याद रखिएगा।
आगे है कि पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, तो 29.2% पर। पृथ्वी के धरातल पर, पूरा पृथ्वी जिसे है इस पर कितना परसेंट पर, तो 29.2 पर। बाकी जितना बच गया मानी 78% कुछ उस पर जल है 8। चलिए अगला है कि महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, सॉरी 78 नहीं होगा 71 हो जाएगा। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चाभुक है, तो प्रथम श्रेणी का। अगला है कि महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत के प्रेरणा कौन है, तो वेगनर है। महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत के प्रेरणा कौन है, तो वेगनर है। अगला है कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसने मान्यता दिया था, तो वेगनर का ही कहना था। अगला है प्लेट विवर्तन सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया, तो 1960 में। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो हैरी हेस ने। हैरी हेस का नाम याद रखिएगा, प्लेट विवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत का कब किया गया था प्रस्तुत, 1960 में। अगला है वेगेनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ, तो कार्बोनिफेरस युग में। अगला है कि महाद्वीप विस्थापन को स्पष्ट करने वाली नवीनतम सिद्धांत क्या है, तो प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। अगला है कि भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कोणीय दूरी क्या कहलाती है, तो अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा जैसे पृथ्वी ये बीच में है, तो इसके ऊपर या नीचे कर है भूमध्य रेखा, इसको 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कर सकते हैं। उत्तर या दक्षिण, ये इधर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण। कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है, तो अक्षांश कहा जाता है। इस तरह से रहता है जो अक्षांश, ऊपर से रहता है जो देशांतर कहा जाता है। अगला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। अगला है ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की आकृति कैसी होती है, तो घटती है। कभी भी ध्रुव जो 0 डिग्री है यह सबसे बड़ा होता है, ऊपर जाएगा तो छोटा होता चल जाएगा, यानी घटती है। धरातल पर एक अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है, तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला है मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरती है, तो मालागासी से होकर गुजरती है। अगला है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो भागों में बांटती है, क्या कहलाते हैं, भूमध्य रेखा, इसको ही 0 डिग्री इक्वेटर कह सकते हैं। चलिए अगला है कि पृथ्वी पर सबसे उत्तम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है, तो भूमध्य रेखा पर ही किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरा है। अगला 62.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो अंटार्कटिक कहा जाता है। नीचे अंटार्कटिक है तो अंटार्कटिक, ऊपर आर्कटिक है तो आर्कटिक कहा जाएगा। 62.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही पृथ्वी बीच से है, तो ये 0 डिग्री हो गया, यहाँ से 23.5 डिग्री, यहाँ से भी 23.5 डिग्री, एक और है कितना है 62.5 डिग्री, तो वही पूछ रहा है 62.5 डिग्री दक्षिण और उत्तर। चलिए अगला है कि ध्रुव दोनों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण में प्रतिच्छित करती है क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। आपको बताए थे इस तरह से ऊपर से नीचे काटेगा तो देशांतर कहलाएगा। दो देशांतरों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है, गोरे के नाम से जाना जाता है। इसका कितना होता है, 111.4 होता है। अगला है एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है, विषुवत रेखा पर होती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की कितना समय अंतराल होता है, तो 4 मिनट का होता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात अवधि समान होती है, भूमध्य रेखा पर। किसके बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है, देशांतर रेखाओं पर। करा किसके बीच दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होते हैं, तो देशांतर रेखाओं के। अगला है विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक यानी काल्पनिक रेखा या काल्पनिक इसको भी बोल सकते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाते हैं। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है। अगला है कुछ अक्षांशों की संख्या की यानी कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांश 180 यानी कि इस तरह से जो रहेगा 180 है, कितना है 180, जबकि देशांतर ऊपर से नीचे रहेगा तो 360 होता है। बीच वाला को ही 0 मान लीजिए, इसके विपरीत जो आएगा तो 180 आ जाएगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है कि पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, तो देशांतर रेखा कहा जाता है। पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूम सकती है, तो 15 डिग्री घूमती है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, ये दोनों भी पूछता है। कुल अक्षांशों की संख्या 180 और देशांतरों की संख्या 360 होता है। पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है, तो 15 डिग्री। अगला है कि प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है। प्रधानमंत्री रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है, तो ग्रीन बीच से होकर गुजरती है। अगला है मकर रेखा किस देश से होकर गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है मकर रेखा। ये ऑप्शन के हिसाब से इसको मारिएगा। आगे है दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, आपको हम बताए थे कि इस तरह से देशांतर काटा गया है, तो सबसे बीच में आता है जो 0, इसके विपरीत आता है 180, या इसको 180 मानिए तो उसको 0 मानिएगा, तो 180 डिग्री देशांतर को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। अगला है मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं एक दूसरे को काटती है, लंबवत काटती है, क्या काटती है, लंबवत, ये भी पूछता है बार बार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर स्थित अक्षांशीय एवं देशांतर रेखाओं के एक दूसरे को काटती है, लंबवत काटती है। अगला है उत्तरी गोलार्ध में भूत धरातल अधिकतम होता है, तो 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ तक होती है। अगला है मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो भौगोलिक रेखा जाल कहा जाता है। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया है, तो 1884 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया, तो 1884 ईस्वी में। जितना भी ईस्वी से रहता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्या होगा, एक नंबर आपको
आ जाएगा। चलिए अगला है कि भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया, तो 82.5 डिग्री, ये कहाँ से इलाहाबाद से लिया गया है। आगे चलिए आएगा क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय किन स्थानों से निश्चित किया था, इलाहाबाद के नैनी से। दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन है एकदम पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो याद है तो याद ही है, लेकिन जो नहीं याद है तो उसको दोबारा देखिएगा। दोबारा देखने के लिए आप कुछ नहीं करिएगा, एक बार देख लिए, दोबारा देखने के लिए आप सोने के टाइम या किसी टाइम कान में लगा लीजिएगा, उसके बाद चालू कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, रिविजन हो जाएगा, बार बार रिविजन करने से याद होता है, ऐसे याद नहीं होता है। चलिए आगे है कि भारत और ग्रीन बीच के मानक समय का कितने अंतर है, 5.5 घंटा का है। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित दोनों स्थान का स्थानीय समय में कितना अंतर है, तो 2 घंटे का। आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, ये गुजरात है, तो गुजरात सबसे पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ का दूरी पूछ रहा है कि कितना का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि किस स्थान पर प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है, तो नैनी में, क्योंकि इलाहाबाद के नैनी से ही लिया गया है। अगला है कि ग्रीन बीच देश में है, यानी ग्रीन बीच जो समय लिया गया किस देश में, तो यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से। अगला है ग्रीन बीच रेखा को तात्पर्य क्या है, तो 0 डिग्री देशांतर। आपको हम बताएं कि पृथ्वी इस तरह से गोल है, तो बीच से या इसको मान लीजिए, इसका विपरीत मान लीजिए, किसी को मान लीजिए, वही 0 डिग्री देशांतर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर में कितनी बार विचलित होती है, तो 4 बार विचलित होती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से निकलने वाली विचलित होती है, तो 4 बार होती है। अगला है कि उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण क्या है, तो एलुसिनियन द्वीप महासमूह का है। अगला है पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है, तो 24 कटिबंधों में बांटा गया है। अगला है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थ में घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहा जाता है, तो अग्नेय चट्टानें कहा जाता है। अगला यही क्वेश्चन को फिर से देखिए कि पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहा जाता है, अग्नेय चट्टान कहा जाता है। अगला किसे प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा गया, तो अग्नेय चट्टानें को ही प्राथमिक चट्टान के रूप में रखा गया है। अगला है गैनिस सेल कहलाती है, तो मौलिक सेल भी कहा जाता है इसे। अगला है निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है, यानी पुराना है, तो अग्नेय चट्टान ही सबसे पुराना माना जाता है। अगला है अग्नेय चट्टान किस प्रकार की बनती है, तो गर्म लावा के ठंडे हो जाने से ही अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अगला है किस प्रकार के चट्टान में रवे पाए जाते हैं, तो अग्नेय चट्टान में ही रवे पाए जाते हैं। क्वेश्चन में ये रवे याद रखिएगा, किस प्रकार के चट्टान में रवे पाए जाते हैं, तो अग्नेय चट्टान में रवे पाए जाते हैं। अगला है कि किस चट्टान में जीवोस का अभाव पाया जाता है, तो अग्नेय चट्टान में जीवोस का अभाव पाया जाता है। जीवोस के मतलब जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, अग्नेय चट्टान में जीवाश्म का नहीं होता है। अगला है कि मोह स्केल में स्केल से मापा जाता है, मोह स्केल से मापा जाता है चट्टानों की कठोरता को। मोह स्केल से क्या मापा जाता है, चट्टानों की कठोरता को, याद रखिएगा। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है, तो अधिबिलियती या प्लूटोनिक चट्टान में किया जाता है। अगला है कि भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार अग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है, तो बैथोलिथ के नाम से जाना जाता है। अगला है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति किस चट्टानों से होती है, तो अग्नेय और तलछट्टी चट्टानों से होता है। रूपांतरित चट्टान की उत्पत्ति किस चट्टानों से होता है, तो अग्नेय और तलछट्टी चट्टानों से होता है। अगला है कि जानवरों वनस्पति सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में मिलता है, तो अवसादी चट्टानों में ही मिलता है। यहाँ पर आया था क्या कि अग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता, जीवाश्म कहाँ मिलता है, जैसे कि जानवरों वनस्पति सूक्ष्म जीवे कहाँ मिलता है, अवसादी चट्टानों में मिलता है। अगला है कि धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार है, तो अवसादी चट्टान पर, धरातल यानी सबसे ऊपर में, तो अवसादी चट्टानों का है। सॉरी धरातल नीचे वाला बोल रहा है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है, तो 75% है। अगला है कि कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है, तो कोयला एक जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है। अगला है कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो पत्तेदार चट्टान में पाया जाता है। अगला है पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आता है, तो कोयला आता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो पत्तेदार चट्टान में पाया जाता है। पेट्रोलियम खनिज तेल किस चट्टान में पाया जाता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। अगला है पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है, तो कायांतरिक चट्टान में हुआ है। अगला है कि बलुआ पत्थर किसमें परिवर्तन हो जाता है, तो क्वार्टराइज में हो जाता है। बलुआ पत्थर क्वार्टराइज चट्टान में परिवर्तन हो जाता है। अगला है चूना पत्थर का कायंत्रिक रूप क्या है, तो संगमरमर है। चूना पत्थर का कायंत्रिक रूप क्या है, तो संगमरमर है। अगला है रूपांतरित चट्टान क्या है, तो नीस है। नीस जो है रूपांतरित चट्टान है। अगला है कि बेसाल्ट के रूपांतर के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ है, तो एम्फीबोलाइट चट्टान का हुआ था। अगला है अवसादी शैलों का दूसरा नाम क्या है, तो अवसादी शैल का दूसरा नाम है अस्तरित शैल। अगला है कौन सा सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है, तो अवसादी चट्टान। क्वेश्चन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको जरूर देखिए पूरा वीडियो। आप लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, कृपया अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चलिए अगला है कि प्रत्यास्थप पुनर्संचलन सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का व्याख्या करता है, तो भूकंप की। अगला है भूकंप की उत्पत्ति से संबंध प्रत्यास्थप पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, रीड ने किया था। अगला है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो भूकंप विज्ञान कहा जाता है, यानी भूकंप विज्ञान से कर सकते हैं। अगला है भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है, उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो भूकंप का केंद्र कहा जाता है।
अगला है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है, तो वह उसको कहा जाता है भूकंप मूल कहा जाता है। जहाँ से उत्पत्ति हुआ वो उसको भूकंप मूल कह सकते हैं। आज भूगर्भ में जिस स्थान से भूकंप तरंग उत्पन्न हुई तो भूकंप केंद्र कह सकते हैं या भू केंद्र कह सकते हैं। अगला है, पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है, तो उत्केंद्र कहा जाता है, वहाँ से उत्कर्षित हुआ। अगला है कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उसे भूकंप अभिकेंद्र कहा जाता है। अगला है, भूकंप में धरातल तरंगों होती है तो एल तरंगे होती है। कौन सी भूकंप की तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, तो दीर्घ पृष्ठीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। अगला, अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है, तो सुनामी कहा जाता है। अगला, विश्व की सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आती है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि विश्व की सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आता है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आता है। परिप्रशांत नहीं देकर प्रशांत महासागरीय पेटी बोलेगा। अगला है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है, तो जापानी भाषा ही सुनामी का शब्द है। अगला है कि रिएक्टर स्केल मापता है, तो भूकंप की तीव्रता को मापता है रिएक्टर स्केल। अगला है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम आता है, मिलाया जाता है, तो भूकंप की तरंग को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी। अगला है, तरल पदार्थ से होकर ना गुजरने वाली भूकंपीय लहर क्या कहलाती है, तो एस तरंग। तरल पदार्थ जैसे कि तरल पदार्थ जल या कुछ और ले लीजिए इसी तरह से, तो एस तरंगें जल से होकर नहीं गुजरती है। अगला है, भूकंप का कारण है विवर्तनीय या टेक्टोनिक का घसकना। अगला है कि भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता में तीव्रता के पैमाने की सीमा कितना होता है, 1 से 12, और सबसे खतरनाक माना जाता है 10 को। 10 से जितना ज़्यादा या 8-9 से जितना ज़्यादा होगा वह सबसे खतरनाक हो जाएगा, क्षति पहुंचाएगा। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थान को मिलने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, सम भूकंप रेखा कहा जाता है। अगला है, किसी क्षेत्र के उस यानी उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप का एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है, सह भूकंप रेखा कहलाता है। अगला है कि सम भूकंप रेखा का आकार प्रायः किसा होता है, अनियमित होता है, अनियमित, इसका कोई नियमित नहीं होता है। अगला है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को पिघली हुई मैग्मा धरातल को छोड़कर धुआं राख एवं गैस के रूप में निकलती है उसे क्या कहा जाता है, तो ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला है, जिस नली से होकर मैग्मा आंतरिक भाग में भाग से ऊपर आता है उसे क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी नली कहा जाता है। अगला है, ज्वालामुखी गतिविधियों से किस प्रकार की झिल्ली बनती है, तो कोल्डेरा झिल्ली बनती है, कोल्डेरा झिल्ली बनती है। ज्वालामुखी गतिविधियों किस प्रकार की झिल्ली बनती है, तो कोल्डेरा झिल्ली बनती है। अगला है कि ज्वालामुखी विस्फोट से बने छिद्र को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट से बने छिद्र को क्या कहा जाता है, क्रेटर कहा जाता है। अगला है, वैसे ज्वालामुखी जिसके बराबर उद्गार होता रहे उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वैसे ज्वालामुखी जिसके बराबर उदागर होता रहे उसे क्या कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। वैसे ज्वालामुखी जो उदागर के बाद शांत पड़ जाए पुनः सक्रिय हो जाए उसे क्या कहा जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला है कि जब ज्वालामुखी का उदागर पूर्णतः समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो मृत ज्वालामुखी कहता है। तो ज्वालामुखी 3 प्रकार के होता है, एक सक्रिय हो जाता है, एक सुषुप्त हो जाता है जो कभी कभी फूटता है, जो एक मृत यानी कभी नहीं हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अगला है, किसे प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है, तो ज्वालामुखी को ही प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। अगला है कि पहले अश्रु की उत्पत्ति कब हुई, तो ज्वालामुखी उदागर के समय ही हुई। ज्वालामुखी में जलवास के अलावा मुख्य कौन कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे ज़्यादा निकलता है जलवास, ये ज़्यादा याद रखिएगा, और दूसरा निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये 4 निकलता है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो जलवास निकलता है। देखिए पाई चार्ट के द्वारा हम कुछ ज्वालामुखी के नाम देख लेते हैं, जैसे है कि माउंट फुजियामा जापान का ज्वालामुखी है। माउंट अनजाने जापान का है, इसमें जो जो पूछेगा उसी को हम बताएंगे। जैसे क्रोकोटोवा इंडोनेशिया का है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया का है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर का है, और चिम्बारजो इक्वाडोर का ही है। इसमें और पूछेगा माउंट ताल, ये फिलीपींस का है, और माउंट मियाउन ये भी फिलीपींस का है, और माउंट एरेबस अंटार्कटिका का है, इसको याद रखिएगा, ये जरूर पूछता है। माउंट किनियास तो किनिया का है, तो किनियास में लगा है तो किनिया का हो गया। माउंट मेरू तो ये भी किनिया का है। ओजोस डेल सिलोडो कहाँ के, अर्जेंटीना और चिली का है। माउंट रेंजल कनाडा का है। माउंट एल्ब्रुज जॉर्जिया का है। मोनालोआ संयुक्त राज्य अमेरिका के है। माउंट रेनियर अमेरिका के ही है। कटमाई भी अमेरिका के है। माउंट सस्ता भी अमेरिका का है। विश्ववीय इटली का है। माउंट एटना सबसे ज़्यादा ये पूछता है, इटली में सबसे ज़्यादा पूछता है माउंट एटना। कोह सुल्तान यह ईरान का है, सुल्तान लगा हुआ है तो ईरान का है। अबेम बंद यह भी ईरान का है। माउंट कैमरून किसका है, कैमरून का, इसमें कैमरून लगा हुआ है तो कैमरून ये पूछेगा नहीं। माउंट अरारत आर्मेनिया का है। अरारत आर्मेनिया, आ से मिल रहा है तो आर्मेनिया याद रखेगा। अस्ट्रोम्बेली ये सबसे ज़्यादा पूछता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको कहते हैं। कालीमंजारो तो तंजानिया का है, ये भी पूछता है बार बार, कालीमंजारो तंजानिया का। अपोपो
कैटिपिटल पोपो कैटिपिटल यह मैक्सिको का है, माउंट कोलिमा मैक्सिको का है, माउंट पीली है मार्टिनिक का, अब पोप कहाँ है बर्मा जो म्यांमार को कह सकते हैं। अगला है देख लीजिए क्वेश्चन कि ज्वालामुखी उदागर के समय प्राप्त लावा एवं धरातल ये चट्टान के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो पायरोक्लास्ट कहा जाता है। ज्वालामुखी उदागर के समय प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टान के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो पायरोक्लास्ट कहा जाता है। अगला है कि डाइक क्या है, तो डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। कोल्डेरा संबंधित है तो ज्वालामुखी से। ज्वालाखंडी सामी क्या है, तो तप्त शैल के टुकड़े और लावा है। अगला है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ से एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में। यह बार बार क्वेश्चन पूछता है वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया में। अग्निवलय किसे कहा जाता है, तो प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है अग्निवलय। अगला है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ है, तो प्रशांत महासागर के आसपास है। विश्व में जागृत ज्वालामुखी यानी सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, प्रशांत महासागर के आसपास। अगला है कि विश्व का अधिकांश ज्वालामुखी घटना घटती है, तो विनाशनात्मक प्लेट किनारों पर यानी विनाशनात्मक प्लेट के किनारों पर ही सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी फटती है। अगला विश्व में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। चलिए अगला है कि प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है, तो अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपेक्सी कहाँ है, इक्वाडोर में। अभी बताए थे चार्ट पेपर में कि कोटोपेक्सी इक्वाडोर में ही बार बार पूछता है। अगला है किस देश में ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो जापान में। अगला है स्ट्रॉन्ग वैली किस प्रकार की ज्वालामुखी है, तो जागृत है। अगला है कि अस्ट्रॉम्बेली भूमध्य महासागर में है। अगला है कि मृत ज्वालामुखी कलिमंजारो किस देश में है, तो तंजानिया में। अगला है तंजानिया किस महाद्वीप में है, आपको पता होगा, तो अफ्रीका महाद्वीप में। अगला है कि फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी है, तो जापान का। अगला है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाशोत्तम, अस्ट्रॉम्बेली। आपको बताया था भूमध्य सागर का प्रकाशोत्तम पूछेगा, तो अस्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी हो जाएगा, अस्ट्रॉम्बेली। अगला है कि माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, अंटार्कटिक महाद्वीप में। यह भी पूछता है, आपको बताए थे इरेबस, माउंट इरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटना पूछता है किस महाद्वीप में, सिसली द्वीप पर। माउंट एटना कहाँ है, सिसली द्वीप पर। बीएस ज्वालामुखी किस देश में, तो इटली में। अगला है कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, इंडोनेशिया पर। और अगला है कि कलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में। कलिमंजारो पर्वत किस महाद्वीप में है, तो अफ्रीका में। अगला ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, तो पेरू में। याद रखिएगा एल मिस्टी किस देश में है, तो पेरू में। क्रेटर किस आकृति के होते हैं, तो कीपाकार होता है, क्रेटर जो होता है कीपाकार होता है। अगला है विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कहाँ है, तो फिलीपाइन द्वीप में या फिलीपींस द्वीप भी कह सकते हैं इसको। अगला है स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी कहाँ है, तो लिपारी द्वीप पर जो भूमध्य सागर में है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी है, इसको याद रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछेगा, तो कोटोपेक्सी हो जाएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्रियालु है हवाई द्वीप पर, जो अमेरिका के पास है। अगला है 10,000 धुआओं की घाटी पाई जाती है अलास्का में। 10,000 धुआओं की घाटी पाई जाती है अलास्का में। किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उदागर होता है, पिलियन तुल्य में होता है। किस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट उदागर होता है, पिलियन तुल्य में होता है। पेले के वाल का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी के, हवाई तुल्य से। पेले के वाल का संबंध किस प्रकार के ज्वालामुखी से है, तो हवाई तुल्य से। किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होते हैं, बल्केनियन तुल्य की। किस प्रकार की ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल की जैसे होते हैं, बल्केनियन तुल्य की। किस प्रकार की ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है, बसुवियस तुल्य को पिलियन तुल्य का ज्वालामुखी कहा जाता है। अगला है पृथ्वी की सतह के नीचे जीव भूत शैल क्या कहलाते हैं, तो मैग्मा कहलाता है। विश्व में 3/4 से अधिक ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, अभिसारी सीमांत क्षेत्र में पाया जाता है, 3/4 से अधिक। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी किस क्षेत्र में पाया जाता है, परिप्रशांत पेटी में, आपको बताए थे प्रशांत महासागरीय पेटी में। अगला है कि स्थलमंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार है, तो 26%। अगला है पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में किया जाता है, तो द्वितीय श्रेणी। अगला है पर्वत पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो 1%। अगला है पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो जौली ने। अगला है पर्वत निर्वांग भूस्थानीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो कोवर ने। अगला है कि विश्व के विशाल बलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूरा हुआ, तो 30 मिलियन वर्ष पूरा हुआ था। हिमालय पर्वत किस प्रकार की अग्नित पाया आता है, तो नवीन बलित पर्वत को कहा जाता है। कौन सा विश्व के नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है, तो हिमालय। अगला है कि रॉकी एंडीज एटलस अल्पास हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, तो बलित पर्वत। जितना भी लंबा पर्वत है वह बलित पर्वत है, नवीन बलित पर्वत कह सकते हैं।
इसको याद रखने का तरीका है कि जितना सबसे लंबा लंबा पर्वत है वह नवीन वलित पर्वत है। चलिए पाई चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर और देश यानी उसका ऊंचाई भी। एवरेस्ट, एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। इसका सबसे ऊंचा 8850 या कहीं कहीं देगा 8848 भी देगा, तो इसको सबसे विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत है। दूसरा है गडविस्तीन K2, इसको भारत का कह सकते हैं 8611 किलोमीटर है कंचनजंगा, सॉरी 8611 मीटर है कंचनजंगा, भारत और नेपाल के बीच में है यानी कि सिक्किम में है। इसका लंबाई कितना है? 8598 मीटर। इसमें मकालू पूछेगा, मकालू कहाँ है? नेपाल और चीन में, चीन में, तो यह 8475 है। जो जो पूछेगा वही हम बता रहे हैं कि धौलागिर, धौलागिर नेपाल में, इसका लंबाई 8172 है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत पाक अधिकृत कश्मीर में है, यह 8126 है। अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। इसको देकर ऑप्शन में फंसाता है, अन्नपूर्णा लगता है कि भारत में है लेकिन यह कहाँ है? नेपाल में। इसका लंबाई कितना? 8078। अगला है गोसाईनाथ, गोसाईनाथ चीन में है, जो 8018 इसकी लंबाई है। नंदा देवी भारत में है, 7817 इसकी लंबाई है। कामेत, कामेत पूछता है भारत और चीन के बीच में है, तो 7756 इसकी लंबाई है। नाम जारपा चीन में है, तो 7756 है इसका लंबाई। बस इससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछता पर्वत से। चलिए अगला है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूशांति से हुई है, तो तेथिस सागर से हुई। हिमालय की उत्पत्ति किस भूनति से हुई, भूनति या भूशांति भी या भूतल से भी कह सकते हैं, तो तेथिस सागर। अगला है कि दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में है। अगला कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, तो रॉकीज, रॉकीज ही। अगला है कि विश्व की सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सा है, एंडीज, कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला है ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ी किस देश में स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है पॉइंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो श्रीलंका का। ये पूछ सकता है क्वेश्चन, श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो पॉइंट पेड्रो। अगला है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, एकांगुआ है। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ। एंडीज पर्वत कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। अगला है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है, तो जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में है, तो जर्मनी में। पेनाइन यूरोप, एलेसिनिया अमेरिका और अरावली भारत का उदाहरण है पुरानी बलित श्रृंखला का, यानी पुरानी बलित पर्वत इसको कह सकते हैं। अगला है विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है, तो नेपाल में। नेपाल में इसको क्या कहा जाता है, तो सागर माथा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला है अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तंजानिया में। अगला है कि उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन है, माउंट मैकिल्ने की। विश्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, एंडीज। विश्व में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो एंडीज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत पेरिनीज, पेरिनीज है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरिनीज। अगला है पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं, तो दर्रा, दर्रा के नाम से जाना जाता है। अगला है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाया जाता है, तो 33% पर। अगला है पठारी क्षेत्र में विश्व कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करता है, तो 9%, मात्र 9%। अगला है जो पठार चारों ओर से पर्वत या मलाओं द्वारा घिरे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, अंतरापर्वतीय पठार कहा जाता है। अगला है किसी पर्वत के सहारे स्थित पठारों को कहा जाता है पर्वत द्वीपीय पठार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस पठार को अंतरपर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार को अंतरपर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अगला है कि मेसेटा का पठार किस देश में स्थित है, तो स्पेन और पुर्तगाल में। अगला टेलीग्राफिक पठार कहाँ है, टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। अगला है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार स्थित है हिमालय पर्वत तथा क्वानुअल की मध्य। अगला है पोटवार पठार किस देश में है, तो पाकिस्तान में। पोटवार पठार पाकिस्तान में। अगला है कि लोयस पठार कहाँ है, पवन कृति है। लोयस का पठार है तो पवन कृति है। लोयस पठार स्थित है मंगोलिया एवं चीन की सीमा पर। लोयस पठार जो स्थित है मंगोलिया और चीन की सीमा पर। आइए पाई चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि विश्व के प्रमुख पठार एवं स्थिति। मैक्सिको का पठार मैक्सिको में है, यह मैक्सिको लगा हुआ है तो याद हो जाएगा मैक्सिको में। तिब्बत का पठार मध्य एशिया में, तिब्बत का पठार मध्य एशिया में है। इथोपिया का पठार इथोपिया एवं सोमालिया में है। और मेसेटा का पठार स्पेन तथा आइबेरिनिया प्रायद्वीप पर है। ब्राज़ील का पठार ब्राज़ील में है। बोलिविया का पठार बोलिविया में है। इकॉन का पठार, ये याद रखिएगा, इकॉन का पठार अलास्का में है, जो पहले रूस का था। अलास्का पहले किसका था, रूस का। अगला है कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कोलोरेडो का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मंगोलिया का पठार उत्तर मध्य चीन तथा मंगोलिया के बीच में है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार दक्षिण भारत में है। एशिया माइनर का पठार ईरान में, एशिया माइनर ये बार बार पूछता है, एशिया माइनर का पठार ईरान में है। अरब का पठार दक्षिण पश्चिम एशिया में है। अंतोलिया का पठार तुर्की में है, अंतोलिया का पठार तुर्की में है।
ठंडी चाइना का पठार, ठंडी चाइना का पठार म्यांमार का शान प्रदेश चीन एवं वियतनाम में है। ऑस्ट्रेलिया का पठार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आधा पश्चिमी भाग में है। मालागासी का पठार, मालागासी का पठार संपूर्ण मेडागास्कर द्वीप पर है, संपूर्ण मेडागास्कर पर मालागासी का पठार है। दक्षिण अफ्रीका का पठार दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत एवं नेटाल तथा बसुटोलैंड में है। अगला देखिए, किसे बिस्क की छत कहा जाता है? तो पामिर के पठार को ही बिस्क का छत कहा जाता है। तुर्की में अंतोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणी के मध्य आता है? पेंटिक तथा टॉरस के। अगला है कि बोलबिया के पठार किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो टीन का। बोलबिया का पठार से किस प्रकार की धातु उत्खनन किया जाता है? तो टीन का। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थान के रूप में किया जाता है? तो द्वितीय श्रेणी। अगला है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान विस्तार है? तो 43% पर। 20 में उन्नत होने के लिए होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदान से उपजाया जाता है? तो 85%। अगला है, विश्व का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदान में निवास करता है? तो 90%। अगला है, किस स्थल के रूप में सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को। सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो मैदान को। अगला है कि पवन अपरित मैदान में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोध चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? इंसेल वर्ग कहा जाता है। अगला है कि क्रास्ट मैदानों में यंत्र तंत्र भी कह सकते हैं स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो ह्यूमस कहा जाता है, ह्यूमस या ह्यूमरस भी कह सकते हैं। अगला है, नदी अपरक्षित मैदानों में यंत्र तंत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों को अवशेष को कहा जाता है? मेंडे नौक कहा जाता है। संप्रदाय मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? नदी के द्वारा। इससे और दो क्वेश्चन रह गया है। तो पेड़ी प्लेन मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा। पेड़ी प्लेन मैदान का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पवन के द्वारा। उत्तरी पश्चिमी चीन का लाओस मैदान किस प्रकार का जमाव से होता है? तो रेत व धूलकण से। तो इसके बाद लाएंगे वायुमंडल की संरचना। तो इसमें रहा था, क्या पढ़े थे हम सब? भू आकृति विज्ञान, इससे पहले पढ़े थे ब्रह्मांड की संरचना। तो चलिए, तब तक के लिए जय।